हीरो की फिल्म घोषित होते ही चर्चा चल पड़ी है कि हीरोइन कौन बनेगी। तमाम हीरोइंस फिल्म को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं। रांझना और तनु वत्स मनु जैसे फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्देशक आनंद एल रॉय अब शाहरुख खान को लेकर फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें शाहरुख एक बौने के रोल में दिखाई देंगे। फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है और अब तक हीरोइन तय नहीं हुई है। शाहरुख की हीरोइन बनने का मुकाबला चल रहा है। खबर मिली है कि दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ जैसी अभिनेत्रियों को पछाड़ते हुए सोनम कपूर ने ये मुकाबला जीत लिया है। आनंद एल राय ने सोनम को हीरोइन के रूप में चुन लिया है। यदि ये खबर सही साबित होती है तो सोनम और शाहरुख की साथ में ये पहली फिल्म होगी। सूत्रों ने बताया कि सोनम को पुराने संबंध काम आए। आनंद एल राय की फिल्म रांझना में वे हीरोइन थी। दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग है। इसी का नतीजा है कि शाहरुख की हीरोइन बनने का अवसर सोनम को मिल रहा है।